भी ग्रेजुअली उससे उनका दाम तो नहीं बढ़ा या फिफ्थ आदमी को जा रहा हूँ चार आदमी और बीच में खाने वाले आ गए नहीं अब ये डर पैदा हुआ अभी जो डर जब इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा और आगे जैसे कि अभी एंटी करप्शन ब्रांच का जो हमने डर लाया वो डर को विशिएट कर दिया कैसे विशिएट कर दिया डीडीए को लोग पकड़े गए अभी आपने सुना होगा ए के मीना साहब आ गए वहां पे वो कह रहे हैं कि डीडीए पे नहीं आपको जुरिस्डिक्शन है पुलिस को जुरिस्डिक्शन नहीं है आपको आप नहीं पकड़ सकते कैसी बात है भाई आईपीसी सीआरपीसी हमारे अंडर है मतलब ये बहुत अजूबा हो रहा है अभी जो हो रहा है दिल्ली के अंदर कि कोई सरकार कह रही है कि ये आदमी करप्शन करता पकड़ा गया तो आप मत पकड़ो उसको आपका अधिकार नहीं है चलो हम नहीं पकड़ते तुम पकड़ लो तुम तो अंदर करो उसको एक आपने बोला कि 26% इसका होगा लेकिन ये कांग्रेस को खुद बोलते थे कि रुपए में 9 पैसे पहुंचते हैं जैसी नहीं वो तो मेरा तो डायरेक्ट अनुभव ये रहा हो सकता है और होता है जैसे देखिए 26% डिस्काउंट तब था जबकि मैंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का लगाना भाई तो जो लिस्टेड रेट्स हैं आपके पीडब्ल्यूडी के और ये दुनिया भर के तमाम शाम के उस पर डायरेक्ट 26% डिस्काउंट आपको साफ साफ मिल रहा है मतलब आप क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हो क्वालिटी में जैसे चाइना में कहते ना भाई करप्शन बहुत है लेकिन क्वालिटी है इसका मतलब है क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हो और 26% भी खा रहे हो अगर आपके मर्जी हो कि क्वालिटी इंश्योर नहीं करना क्वालिटी है बाढ़ में तो आप खा सकते हो मे बी 70% भाई एक एक कैमरा सर जो लगाते हैं जो हमने लगाया 40,000 कैमरा है ना उसका 100 मीटर तक आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट देख रही है आपको 3,000 कैमरा लगा देगा कैमरा तो कैमरा है हु इज चेकिंग द पिक्चर एंड हु चेकिंग द ऑल द स्टफ करप्शन कैसे मतलब करप्शन से विकास का क्या कितना बड़ा संबंध हो रहा है बड़ा सा नारा लग रहा है कि हमने भ्रष्टाचार कम कर दिया इसलिए बहुत सारी चीजें हो गई सर ये दूरगामी चीज है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको बंद करिए नहीं जो आपका ऑफ द रिकॉर्ड हो बता दीजिएगा ठीक है ना उसको कोई बेहतर तो ये दिस विल नॉट बी देखिए अभी जो कुछ भी है सर ये एक तो हम लोग ने बिल्कुल एक हवा बनाया और उस हवा से काफी बहुत बड़ा फायदा हुआ आज के तारीख में हर जनता अभी जब मेरे पास लोग आते हैं तो लोग इतने मतलब गरीब से गरीब आदमी आ जाता है मेरे ऑफिस में खड़ा हो जाता है अरे साहब आपको वोट दिया था साहब हमारा काम नहीं हुआ लोग कहते हैं कि पहले एमएलए के पास खड़ा होने का इतना पावर नहीं था उनके पास दिस डू नॉट हैव द गट्स टू स्टैंड एंड स्पीक अगेंस्ट एमएलए आज हमारे ऑफिस में लोग घुस करके मुझे गाली देते चले जाते हैं आई लाइक इट माय पीपल आर एम्पावर्ड दैट दे हैव दैट करेज सर बहुत बड़ी घटना घटी है पैराडाइम शिफ्ट हुआ है आज के तारीख में आपको आम आदमी पार्टी मिनिस्टर से मिलने में कोई डर नहीं है आप कुछ भी कह सकते हो आपको कुछ नहीं गाड़ेगा वो मेरे से लिखवा दीजिए मैं सोचता हूँ कि मेरे लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका हक है आना हाँ ये है लगता है कभी कभी कि जिन पैमानों पर जिन यार्डस्टिक्स पे भाजपा एंड कांग्रेस के एमएलए मेजर होते थे उसी पे मेजर हम भी होंगे कब कुछ समय तक जब तक कि उनको पूरी बस नहीं जाएगी कि नहीं ये तो ईमानदार आदमी ये तो हमारा काम करे क्योंकि अनुभव से सीखेंगे अचानक नहीं होने वाला जो सर ने कहा कि वो ग्रोथ डेवलपमेंट और करप्शन कैसे है कनेक्टेड मुझे लगता है कि जब आपका एक रुपया जिस दिन एक रुपये की तरह खर्च होना शुरू हो जाएगा तो आपके इन्फ्लेशन में भी कंट्रोल हो पाएगा एक प्राइड से एक आप कह पाएंगे कि हमारा काम समय से हो रहा है बिजनेसेस विल फ्लॉरिश बिकॉज दे विल हैव द फेथ इन द सिस्टम जो उनको जब आप फॉरेन जाते हैं कि जी हम वहां गए एक मिनट में काम हो गया एक अच्छी आज सम्मान पैदा होगा You will love your nation. You will be more energetic here. You will not be apologetic. You will not feel inferior. तो ये सब बहुत बड़ा paradigm shift है. मुझे लगता है कि जब कोई मुझे पूछता है कि जी आपके पार्टी क्या ideology है, तो हम कह रहे हैं हमारे पार्टी का ideology है कि हम कहीं corruption नहीं होने देंगे.
अब जिन जिन पार्टी के बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी है, फॉरेन पॉलिसी ये है, फॉरेन पॉलिसी वो है, उससे क्या फायदा पहुंच रहा है आम आदमी को? आफ्टर ऑल इफ यू आर डेडिकेटेड टू दिस बिग टारगेट, आई वॉन्ट टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी, करप्शन फ्री दिल्ली, करप्शन फ्री इंडिया, तो सब कुछ तो इंप्रूव हो जाएगा ना। अब देखिए सरकारी स्कूल, आपको ये लगता है खौफ से सब कुछ खत्म हो जाएगा? खौफ से भी, खौफ खौफ तो एक चीज है, खौफ एक देखिए कह रहे हो ना डर होना चाहिए, क्या डर से सब कुछ हो जाता है? पहले मैंने कहा कुछ है ना, क्योंकि मैं जो आम आदमी पार्टी को जानता हूँ वो आम आदमी पार्टी वो है जो कहती है हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम हाथ जोड़ के सबसे इज्जत से बात करेंगे, हम उन नेताओं की तरह नहीं है जो डराते हैं कुछ और। आप लोग भी वही कह रहे हो कि डर होना चाहिए? ना, कानून का डर, मेरा डर नहीं, कानून का डर होना चाहिए और सिस्टम्स को और लॉज को हम इस कदर से उसको इधर वो, चाहे आप रिवील करना हो कपल ऑफ लॉज को या अमेंड करना हो टू ब्रिंग देम डाउन टू टुडेज अंडरस्टैंडिंग, टुडेज मार्केट, ये सब करना पड़ेगा तब जाके होगा। जैसे कि मैं जब मंत्री बना पहली बार सर, कितने लॉ किए आपने? एक तो जैसे फर्स्ट टाइम जब मंत्री बना था मैं, तो मैंने इमीडिएटली कॉल किया एमसीडी कमिश्नर को, मैंने कहा मुझे बताओ कि ऐसे कितने लॉज वायलेट होते हैं जिसके आड़ में करप्शन होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं ना, कोई 6x5 या 10x6 देयर इज सम साइज स्टैकिंग स्पेस बिल्डिंग मटेरियल के लिए घर के बाहर, उसी स्पेस में स्टैक कर सकते हो अपने स्टफ को, एंड देयर इज इम्पॉसिबल टू स्टैक इन दैट स्पेस। द मोमेंट इट स्पिल्स ओवर उसी वक्त लाओ भाई पैसा निकालो। तो मैंने उनको बोला कि जी आप दो दो कॉलम बनाओ, एक तो जी ये लॉस फ्रिक्वेंटली वैलिड हो रहे उसका क्या रिप्लेसमेंट होगा वो बना दो। जैसे वो बना, एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट कमाई बंद, तो वन। सिमिलरली जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो मैंने कहा जी पीआईए जो डलते हैं, व्हाई शुड अ सिटीजन ऑफ दिल्ली गो टू हाई कोर्ट कि जी फलाना रोड बनाओ, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैंने सेट किया आप सेंडिंग काउंसिल को, मैंने कहा भाई जिस वक्त पीआईए डल रहा है कॉपी आपके पास पहुंची, एक पेज का सिनॉप्सिस बनाओ, सेम इवनिंग आई वांट अ कॉपी, एज अ लॉ मिनिस्टर आई विल डिसाइड that this matter is basically the duty of the government, so why should the person go to the court? So I'll give you an appreciation letter which is to be given to the petitioner tomorrow in the court and inform the honorable judge that the Lord government has agreed to the prayers, so kindly adjourn it sine die, maybe 3 months of sine die kuch bhi keh dijiye, and then the moment they give me certificate that work is done, then you can close the book. तो एक चेंज हुआ। अभी देखिए जब मैं लॉ मंत्री था तो क्या हो रहा था कि वहां पे लीगल फीस में गवर्नमेंट वॉज पेइंग फॉर दोज हियरिंग्स विच वॉज नॉट इवन हेल्ड 1.25 लाख, ये आपका पैसा है, जनता का पैसा है, मेरा पैसा थोड़ी है। आई विल गिवन द चार्ज ऑफ इट, I would ascertain that this money should not go waste. That's why I passed an order. I said that only effective hearings will be paid. Appearances नहीं। Judge court लगा भी नहीं है। Court नहीं लगा, कोई junior को पता कराया कि court judge साहब नहीं आए हैं, बस उसके भी charge लगे। क्यों क्यों हम तो आपके bulk customer हैं ना भाई, हम तो आपको लाखों करोड़ों में pay कर रहे हैं। हमको तो ये कम से कम सुविधा दोगे ना। आई विल नॉट चार्ज यू, यू आर नॉट गोइंग सोली फॉर माई केस टू द कोर्ट, आप तो हाईकोर्ट के वकील हैं, आप तो वहीं घूम रहे हैं। एज अ लॉयर आई नेवर चार्ज्ड, एज अ लॉयर आई नेवर चार्ज्ड टू माय क्लाइंट फॉर नॉन इफेक्टिव अपीयरेंस, आई ओनली चार्ज व्हेन देयर इज अ कोर्ट। आप ये समझते हैं कि आपने 49 दिनों के जो सत्ता का था दौर, उसमें बतौर कानून मंत्री इतना बड़ा काम आपको 5 साल में कर लेना चाहिए था, कर लिया, और इस बार आपने कहा नमस्ते अब नहीं करेंगे? नहीं सर, वो तो चूंकि बहुत उत्सुकता थी नए नए दायित्व लेने का, और इस बार हमने कहा कि चूंकि क्षेत्र के लोग काफी रह गए थे, उनका काफी कंप्लेंट था कि
भैया आप आपसे मिलना मुश्किल हो रहा था, हमने आपको चुना क्षेत्र के लिए, तो मुझे लगा कि एक लेट स्टार्ट फ्रॉम आवर ऑन हाउस, हाउस हैज टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट। तो जिन लोगों ने मुझे चुना है पहले उनका दायित्व बनता, मेरा दायित्व बनता है कि पहले अपना घर ठीक करें, उसको रिप्लिकेट कर पाए। लेकिन आप क्योंकि कानून मंत्री थे, आप खुद वकील रह चुके थे, तो जो कानून में अभी खामियां बतौर कानून मंत्री, आप दिल्ली के कानून मंत्री जो चीजें कमियां पूरी कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, वो ठीक हो गई है? सर बहुत कुछ ठीक हो गया है, जैसे कि एक और हमने मैंने शुरू किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टेन्योर कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुड बी वीडियो रिकॉर्डेड। सॉरी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुड बी वीडियो रिकॉर्डेड। इस दिन वो हो गया सर, मैंने मैं आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड इन प्रिंसिपल, बट उसके लिए कानून पास करना पड़ेगा, सिविल सीआरपीसी को अमेंड करना पड़ेगा, सीबीसी को करना पड़ेगा, बट एज अ लॉयर आई हैड ऑर्डर्ड ऐसे। तो ये अब ये अधूरा रह गया बीच में, तो उसको पूरा करना है, ऐसे ढेर सारी चीजें हैं। अच्छा, हमारे यहाँ है कि मंत्री कोई बने, आप काम सारे करा सकते हो, तो जो मेरी इच्छाएं हैं वो भी मैं कभी नहीं कर सकता। कौन कौन से काम रह गए हैं आपके जो अभी आपको अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स वीडियो रिकॉर्डिंग, जल लोकपाल बिल स्ट्रॉन्ग, स्वराज बिल, स्टडी ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू डेली एक्ट्स एंड रिपीलिंग ऑफ द इनइफेक्टिव एंड अनवारंटेड लॉज, अमेंडमेंट्स ऑफ वेरियस लॉज, strengthening the judicial processes, building specific courts for women concerns, judicial reforms vis-a-vis dispense of justice, how fast it can be. आपने इसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बहुत वेग हैं, बड़े लेवल पे हैं। जैसे विटनेस विटनेस प्रोटेक्शन स्पेसिफिक पे हम आए, विटनेस प्रोटेक्शन स्पेसिफिक पे हम आए, तो दिल्ली की कोर्ट में जितना करप्शन है उतना शायद बहुत कम जगह पर है, शुरुआत से लेकर के अंत तक हो रहा है, क्या इसको रोकने के लिए कुछ? जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, जिस दिन आपने वो इफेक्टिवली लागू कर दिया, रीडर को देना पैसा बंद हो जाएगा भाई, कोर्ट के सामने क्या कर पाओगे? सपोज करिए कि एक वकील दूसरे वकील के साथ या कुछ और, अब तो सारी हियरिंग इफेक्टिव हियरिंग होनी पड़ेगी अगर कोर्ट प्रोसीडिंग, जैसे कि यूके में होता है, यूएस में होता है, सारी जितनी भी आपकी हियरिंग्स हैं सभी सारी ट्रांसक्राइब होती हैं, सभी अवेलेबल होता है, सो टेलीकास्ट होता है, ये पेपर तो टेलीकास्ट होता है, कोई भी देख सकता है, तो वो ट्रांसमिशन जिस दिन आ जाएगी मुझे लगता है कोर्टों में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो वो पूछ रहे हैं कि एक तो ये इशू हो गया, अब आपको भी हो गए अब 6 महीने, तो जो कंक्रीट काम हुए हैं वो क्या क्या हैं जो दिख सकते हैं? देखिए, जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का मैपिंग जो था, हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये तीन प्रायोरिटीज है। जिस वक्त हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अच्छी जिंदगी को ढूंढ लेंगे, जिस वक्त हमने अपने माताओं बहनों को सिक्योरिटी दे दी, बुजुर्गों को हेल्थ केयर दे दिया, वो अपने आप दिल्ली सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा, सुधरना शुरू हो जाएगा। आप चाय या कॉफी क्या लेंगे? कॉफी लेंगे, विदाउट शुगर, विदाउट शुगर कॉफी एक, बाकी है तो एक दो कॉफी दो। अब ये जिस तरह से हम स्कूलों के पीछे पड़े हैं, देखिए एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है दिल्ली में, बहुत कॉस्टली है, और क्वालिटी एजुकेशन तो अफोर्डेबल है ही नहीं, और क्वालिटी एजुकेशन हो नहीं रहा एक तरह से, ये भी कह सकता हूं अच्छे स्कूलों में भी। वी नीड ह्यूज रिफॉर्म्स देयर, हमारे लिए बेस बन के
हम सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाए। आप देखिए, एक प्राइवेट स्कूल वाले से हमने पूछा, भाई साहब आपको अपने बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा आया? अच्छा स्कूल वालों को पूछा, उन्होंने भाजी 12 करोड़। हमने गवर्नमेंट स्कूल का कॉस्ट पीडब्ल्यूडीसी का आपको कितना खर्चा हुआ? 18 करोड़। जबकि स्टैंडर्ड में ये 30% होगा एज कम्पेयर टू दैट 12 करोड़ का स्कूल। 12 करोड़ में बड़ा बना होगा, कोई छोटा नहीं बना। तो सही कह रहा हूं, तो बड़ा स्कूल 12 करोड़ और एज कम्पेयर टू दैट गवर्नमेंट स्कूल 18 करोड़। तो हमने बेंचमार्किंग शुरू कर दी सबकी, कहां गड़बड़ हो रहा है। तो जो आपके जो नो क्या कह सकते हैं, वो जो रेट लिस्ट है सारे आइटम्स का, जब आप बनाते हो एस्टिमेट, तो वही घपला है। दोज रेट्स आर सो हाई, ठीक है, तो हम लोग उस लेवल पे भी चेंज कर रहे हैं। अब ये 200 स्कूल हमें वर्ल्ड स्कूल बनाना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ ईयर इन 1 ईयर ड्यूरेशन। तो कुछ बढ़ना शुरू हो गया, मतलब शुरू हो गया, उसका प्रोग्रेस ग्राउंड पे देखा जा सकता है। जमीन मिली है, कहां क्या हो रहा है अभी जैसे स्कूल नहीं, एक तो दो चीजें हैं सर, एक तो है नए स्कूल उसकी जमीनें आइडेंटिफिकेशन होनी शुरू हो गई है, और आई थिंक 50 स्कूल के ग्राउंड्स, आई डोंट हैव द फिगर दिस मोमेंट, बट स्कूल्स के लैंड की आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गई है, कई कई आइडेंटिफाई हो चुकी है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसमें डबल शिफ्ट करने की तैयारी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग शुरू हो गई है कि किस स्कूल में किस चीज कमी है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। तो जो मॉडल स्कूल वाले है, जो एग्जिस्टिंग स्कूल को मॉडल स्कूल बनना, वो हो जाएगा साथ के। अभी तो मैपिंग हुई है मेरे, तो नहीं, अब तो जैसे कि शुरुआती दौर में थोड़ा वक्त लगता है आपको, जब आपने सब कुछ बना लिया तो फिर तो एग्जीक्यूशन है उसका, कंसेप्चुअलाइजेशन में। और कौन सा कंक्रीट काम है जी? मोहल्ला क्लिनिक, जो हमने कहा कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे, उसमें एक हमने बना के दिखा दिया तीरगढ़ी में, आप लोगों ने शायद सुना होगा, तीरगढ़ में एक बना के दिखा दिया। अब ये हम सबको बोला गया है, अपने अपने सारे विधायकों को, भाई अपने अपने क्षेत्रों से 15-15 लोकेशन दे दो, हमने लोकेशन सबमिट कर दिए। लेकिन अब 6 महीने में एक बना सर? नहीं, 6 महीने में पूरा कंसेप्ट बन के एक मॉडल तैयार हो गया, अब तो सब कुछ रेडी है, एजेंट आइडेंटिफाइड है, जगह हमने दे दी, रक्षा बन जाएगा। वो बनने में कितना वक्त लगा? बनने में मेरा ख्याल लगा 1 महीना, बनने में 1 महीना लगा, कंसेप्चुअलाइजेशन पे टाइम लगा। और अगर मोदी जी ने साथ दे दिया होता, हमें तंग नहीं किया होता, तो हम पता नहीं कब का क्या ऑफिस कर दिया। नहीं, पर वो तो आपके उस पीने से मोदी जी का क्या लगा, उनके उस खर्चे डाले। अब अगर आप मुझे मोदी तंग एक मंत्री बना लीजिए, वो एक अलग हो जाएगा, बाकी काम तो होता है। नहीं, सोमनाथ भारती के पास वक्त उतना ही है सर। अगर आप सोमनाथ भारती को सारा दिन उठा कर रखेंगे, तो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया विधानसभा में, और उसी के ऊपर आप उसका बाइक चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसका ये चाहिए। आपने शुरू कर दिया तंग की बात, तो पहले मेरे पास वक्त उतना ही है, उसी वक्त में मुझसे अच्छे काम भी करा लीजिए, उसी वक्त में मुझसे एक्सप्लेनेशन मंगवा लीजिए। आप लॉयर रह चुके हैं, आप फिर कॉन्ट्रोवर्सीज में कैसे आ जाते हो? जैसे ही आपने लेटेस्ट शुरुआत आपसे होती है, आपने अब ये रीसेंट परसों जो स्टेटमेंट दिया है ब्यूटीफुल वुमेन वाला, व्हाई डिड यू से दैट? एंड योर वाइफ सेज के ही इज राइट, मैं आई एम एवरेज लुकिंग, दैट्स व्हाई यू नो मेरे साथ ये हुआ, तो ऐसा क्यों? देखिए, पहली चीज तो ये दो चीजें हैं इसमें, एक तो क्या है कि एक डिलीबरेट अटेम्प्ट चल रहा है टू एस्टैब्लिश सोमनाथ भारती एज एंटी वुमन। अब मैं खिड़की, हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं कल का जो परसों सेगमेंट था, सेगमेंट क्या था? हाँ, वो ही मैं जानना चाहता हूँ। आपने सुना है मेरी, तो मेरा स्पीच नहीं सुना? स्टेटमेंट पढ़ा है, स्पीच नहीं सुना विधानसभा का स्पीच? एक एक बाइट देखा। स्पीच में क्या मैंने कहा कि क्या होना चाहिए पैमाना, क्या होना चाहिए, when can I call my daily secure? तो उसमें मैंने कहा कि जब सुंदर से सुंदर स्त्री गहना जेवर लाद के रात को 12 बजे बेहिचक बगैर डर के चली जाए कोने से दूसरे कोने, तब मैं कह पाऊं मेरी दिल्ली सिक्योर हो गई। ये आपको अब ये नहीं, ठीक है, अब इसमें चला क्या,
गहना जी हटा दिया मेरे स्टेटमेंट से गहना जी हटा दिया डिलीबरेटली. I was watching yesterday. I have asked my lawyers to prepare a list of all the channels. Right. All the newspapers have done this. Gehna ji hata diya segment se. Aur kaha kya sundar istri surakshit ho jayegi jab Somnath Bharti ki aamadi baat hai. Delhi police uska dar hai. Ab nahi isliye maine aap aaj aapka maine wo isko main pucha tha kisi se ki ye isi ko maine aaj benchmark banaya hai. मैंने लिखा है कि जिसने छापा मैंने कहा जी कि व्हिच इज आई वाज नॉट अवेयर क्योंकि इसमें दिखता नहीं कि किस अखबार का है ये. मैंने लिखा है कि देखो ये है सच इसे कहते हैं करेक्ट पर्सपेक्टिव को हियर यू सेड इट बट बाकी चैनलों ने बरखा जी ने सबने वो हटा दिया. अच्छा ये बताओ जंगली वाला आप ये बताइए आप ये इससे कनेक्शन में सुना चुकी दिस गो टू दिस वेरी प्लीज सेंसिटिव प्लीज कर आई सुंदर तो माँ भी हो सकती है सुंदर बहन भी हो सकती है सुंदर बेटी भी हो सकती है. अब जिसकी गंदी मानसिकता है वो सुंदर को असुंदर से कंपेयर कर रहा है ठीक है. और सुंदरता तो इंडिविजुअल है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स एंड अगर इस स्टेटमेंट से किसी को हर्ट पहुंचाओ तो भी तो हम क्या कह सकते हैं. आप ऐसी सिमली इस्तेमाल क्यों करते हैं मैं ये समझता रहता हूँ. पिछले डेढ़ साल से आप जब भी होता है तो किसी ना किसी और वो सिर्फ शिमली के चक्कर में आप बहुत अपने आप मतलब उसको सोचते हैं कि बहुत आधा मेंटल लैंग्वेज बन जाएगी और फिर आप उसको और आगे करने के लिए और लेकिन आप उसी में फंस जाते हैं फ्रॉम राइट फ्रॉम खिड़की जो अभी मतलब मैंने खिड़की में क्या क्या यूज किया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आपसे अनायास होता है जानबूझ के होता है या क्या है ये. अब खिड़की में नहीं क्योंकि ये सब चीजें पहले कभी हुई नहीं. अब रात को 12 बजे अगर आप क्षेत्र के विधायक को बोलोगे जी वहां गंदगी हो रही है यहां गड़बड़ हो रहा है तो विधायक कहता है कि ठीक है मैं रिकमेंड कर देता हूं आई कॉल कमिश्नर एंड से कि थोड़ा देखो चेक करो. अब जिस 15 तारीख को 15 जनवरी मुझे याद है क्योंकि मैं रोज सवेरे मिलता था बिफोर कमिंग टू द विधानसभा टू मीट पीपल वो आया जी एक बंदा लेकर के गांव वाले लोग आए साहब देखिए अभी तक तो कहीं फायदा मिला नहीं और मुझे आशा नहीं है कि आपके यहां से फायदा मिलेगा. फिर भी मैं आपको ले जा रहा हूं कि क्षेत्र की माताएं बहनें बहुत पीड़ित हैं. क्षेत्र के अंदर 7 बजे के बाद घर से मां बहन नहीं निकल सकती क्योंकि वहां पे वेश्या व्यक्ति खुल जाता है वहां पे डर बैठने शुरू हो जाते हैं. तो क्या आपसे आशा कर सकते हैं कि आप नए जमाने के एमएलए हैं तो कुछ कर देंगे. तो बींग न्यू ब्लड एंड बींग न्यू एज पॉलिटिशियन ऐसे कि अच्छा चैलेंज कर रहा है मुझे ये. तो रात को जब मैं 10:30 वापस आया अब चल दिए नहीं नहीं रात को 10:30 वापस आया मैंने उसको बोला था कि देखो आई वांट टू सी मायसेल्फ एंड आई वांट टू सी कि क्या सच्ची में ऐसा हो रहा है. वो खिड़की मेरे से दूर नहीं है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू बी स्टेइंग इन खिड़की. तो मैंने कहा मैंने कोई देखा नहीं कि ऐसी ऐसे कांड चल रहा है वहां पे. आई टोल्ड हिम कि जब मैं रात को जब घटना घटने शुरू हुआ तो मैं बता देना. मैं 10:30 वापस आया था मैंने खाना भी दिखाया सिगरेट वापस आया किसी कि वहां शुरू हो गया भाई साहब अगर आपको आके देखना देखें. मैं नीचे उतरा गाड़ी में बैठा खाना भी नहीं खाया और चल पड़ा. रास्ते में एक पीसीआर में ना बोला कि तो अपना लाइट वेट ऑफ कर मेरे पीछे पीछे हो गए वो मेरे पीछे हो गया. मैं पुलिस पुलिस के साथ पहुंचा हूं वहां पे ठीक है. एंड व्हेन रीच देयर आई सॉ दिस वाज वर्स देन जीवी रोड. बिग बिग कार्स पार्क्ड The girls were inside, outside, half in, half 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 out. Small pudiyas were being sold for those hunk-looking fellows. I said, "What the hell is happening? Right under my nose, 100 meters mere se door hai, 150 meters mere se door hai. Aisa ho raha hai? Sahi keh rahe hain? Kisi ki maa behan beti bhi isse bada prabhavit ho jayegi, affected rahegi." I told the fellows, "Kisi aalo logi, tum jaldi se pakdo, arrest, arrest them." I didn't know that I don't have the power to ask them for arrest. I was the law minister. So it was a mistake. No, I did not a mistake. You exercise the power which you do not have. Even you have the power. Section 39 CRPC empowers every individual to ask the police to act as and when a wrong is noticed. Now these fellows are moving like this. अच्छा वो उन्होंने चूंकि स्पेशल वाले वो पीला वाला पहन के रखते हैं ना चमकता है. अब हेडलाइट्स गाड़ियों की ऑन थी वो चमकने लगा और सबको दिख गया गहरी तो पुलिस वाले आ गए वो सब भागा भागी शुरू किया. अच्छा मुंह ऐसा कर रहे जैसे कि पता नहीं उनको वो पकड़ना ही नहीं है जैसे डेलीवरी अटेंड कर नहीं पकड़ना है.
And I was in before, I didn't know कि पुलिस में ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, वो सब अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कुछ 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 कुछ, but then still गांव वाले सब तैयार थे, तो फिर वो पुलिस वाले ने दो को कर लिया, बिठा लिया. पुलिस took more than 2 hours, 3 hours, वो जो लोकल पुलिस है, 5 मिनट का डिस्टेंस था साहब, 2 घंटे लगे. और आज मैंने वो डीडी एंट्री 9A मैं लिख दिखा था, वो लेके आना वो फाइल जो बुरे वाली फाइल है, आज मैं वही चाह रहा हूँ, असेंबली सेक्रेटरी साहब लिख रहा है, उसमें पुलिस वाला लिख रहा है कि पुलिस सक्सीडेड टू स्टॉप सोमनाथ भारती एंड सपोर्टर्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हाउस. और अगले लाइन लिख रहा है कि ही एंटर्ड इनटू द हाउस. हाउस क्लोज कर दिया बे अंदर के नहीं, नहीं. I couldn't go. Police was there. That's why I haven't said, I haven't shown the house. I said, जो आप जो famous movie आप देखते हैं, मैं क्या बोल रहा कि go and then arrest them. Famous or infamous? जब आप ऑफिस कर लेंगे तब हम देखेंगे, बट दिस इज बेसिकली टू सिक्योर, क्योंकि जैसे कि अभी बहुत सतर्क हो गए हैं, अच्छी बात ये है सर, देखो अभी भी हमारा गॉडफादर नहीं है, लेकिन आप सतर्क, मैं वही कह रहा हूँ, बयानों में सतर्क नहीं होते हैं, दूसरों से काम कराने में आप सतर्क नहीं होते हैं. अच्छा, उसमें उसमें गलती क्या है? नहीं नहीं, थोड़ी आप कर सके गलती, मैं कोई गलती, मैं माई डियर, आई एम नॉट जज. सर आप एक सिंसली उस क्षेत्र से 95% वोट मिले मुझे, 95% अच्छी बात है, दोबारा इलेक्शन जी, ओके 95% वोट मिले, कांग्रेस गॉट रिड्यूस टू 500 वोट्स, सो पीपल वर विद यू ऑफ कोर्स. आप जाकर पूछिए वहां की औरतें मुझे परमात्मा समझती हैं, कहते इस आदमी ने मुझे रात को निकलने की इज्जत दी. आप सोचिए, इनफैक्ट आप मीडिया में हैं, आप भी कई सारी लड़कियां हो सकती रहती होंगी, उधर से चीप रेंट कम है, इकोनॉमिकल है, जो रात को बच्ची आती है काम से, किसको क्या पता ये कौन है. सही बात, मतलब डूब मरना चाहिए सरकारों के, अगर बच्चियों को इस तरह की जिल्लत से गुजरना पड़ता है, डूब मरना चाहिए. और बातें कर रहे हैं, मतलब मैंने सोचता था कि भाजपा कांग्रेस के नेता इतने बड़े बड़े कुछ तो चिंता करें, जब लोगों ने मेरे खिलाफ, जेटली जी ने बयान दिया, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया मेरे खिलाफ, तो मैंने कहा उनको कि क्या आपको चिंता नहीं होती कि जो इस क्षेत्र की महिलाएं हैं उन पर क्या गुजर रही है, जो इस क्षेत्र का नौजवान है उस पर क्या गुजर रहा है, जो ट्रक पे डाले जा रहे हैं उस पर क्या गुजर रहा है. भाई साहब आप तो पंजाब में फेमस हैं, जो पंजाब में ड्रग एडिक्ट पैदा हो रहे हैं, हर तीसरे तीसरे चौथे घर में ड्रग का धंधा चल रहा है, किसको चिंता है देश बनाने की, कौन देश बनाने की सोच रहा है. अभी आम आदमी को उसकी सपोर्ट मिली है, तो आखिरकार एज ए पॉलिटिकल लीडर आई एम सपोज टू हैव द विजन, दैट्स व्हाट आई मीन. सर मेरे ख्याल तक बहुत सारी आपने बड़ी जानकारियां दी हमें, लेकिन ये बताइए कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में ऐसे कौन से 5 बड़े काम हैं जो सरकार को करने चाहिए, जो भी आपने बताया उसके अलावा. देखिए जैसे एक तो जितनी भी कानून एप्लीकेबल है जो मैंने बता दिया आपको, उसकी स्टडी इन डेप्थ एंड बीट आउट अनवॉरंटेड लॉस, एब्सोल्यूटली आपको एक एक कानून को पढ़ के बीट आउट करना पड़ेगा. बीटिंग आउट इज इट सो इजी? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सर. वॉज कमिंग इन पावर सो इजी? Could somebody imagine that a 2-year-old party can defeat a 100-year-old party and bring it down to zero? Nobody would imagine. Easy will karna hoga, keh rahe hi karenge. Easy achhi baat. Can somebody imagine that Somnath Bharti, who has no political background, who has got no political father, who has got no money, can he become 2-time MLA from Malvi Nagar, which is a stronghold of BJP? Chaliyo.
schools need to be brought at par with private schools, government schools. Okay. Hospitals, government hospitals need to be brought at par with government private hospitals. Healthcare and education need to be made affordable. Good healthcare and good education. आज अगर बीमार पड़ जाए मैक्स में चले जाए तो 30,000 रुपए लगता है, मतलब खत्म खर्च हो जाता है. जैसे मेरे क्षेत्र के अंदर जो हॉस्पिटल हैं सर, उसमें आप देखें कि एक्सरे जब हम नॉर्मल थे तो कुछ नहीं मिले मिले नहीं थे, एक्सरे अंदर होता ही नहीं था. उसकी टाइप थी बाहर वाले से कि वो लिखेगा, आप बाहर वाले के पास जाओगे वहां एक्सरे कराओगे उसकी कट पहुंच जाती है. अब हमारे अब सारे एक्सरे काम करते हैं अस्पतालों में, अब जाइए और उनकी दुकानें बंद हो गई, अब कैसे काम कर रहा है. अब अभी अभी थाने चले जाओ, थाने में ये बुरी हालत है, फैक्स मशीन काम नहीं करेगा, कभी नहीं काम करेगा फैक्स मशीन. ठीक है, पुलिस वालों में इतनी नाइंसाफी हो रही है, 36-36 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, 1000 ड्यूटी देनी पड़ती है, कोई वहां मैकेनिज्म नहीं रहने का. लोग कहते थे कि बाइक में भी 100 रुपए उनको मिलता है तेल भरने को, 100 रुपए में क्या चोर पकड़ेंगे वो. नहीं मुझे मैंने सुना कि वो नहीं साइकिल मिलता है उनको, एज पर द लॉ दे आर ओनली एलिजिबल फॉर अ साइकिल टू कैच द थीफ. अब क्या पकड़ेंगे, तो वो बेचारे जो डालते हैं फ्यूल बाइक्स में वो अब कहां से डालेंगे, कुछ तो गड़बड़ होगा. तो ये हॉस्पिटल सर है और ये स्कूल्स. फोर्थ इज सर सीसीटीवी कैमराज ऑल अराउंड. कितने 40,000 हो जाएंगे तक आपने? I don't know the figure this one. Okay. But CCTV cameras. You said 40,000. Something like that. No, 40,000 was the cost of one camera. What I said. Okay. That which I put in my conscience. And that even for 3,000 you can get a camera. Okay. So I was what giving you quality camera. Quality camera. Abo. When CCTV, it was so difficult to get a list of dark spots from the police. I had to get a list of dark spots. कि कहाँ कहाँ कैमरे लगाने जरूरी हैं. And finally we got a list of dark spots. This last mile connectivity, the transportation problem in Delhi has to be made world class. That you should feel like not taking your car out and going to public transport. It should be comfortable. Public transport has to be made world class. And majorly last mile connectivity. अब 10 बजे रात को उतरे मेट्रो से, घर कैसे जाओगे? अब मेरे घर से 3 किलोमीटर पड़ता है, 1.5 किलोमीटर पड़ता है दोनों. मेरा घर है एक इधर 1.5 किलोमीटर में मालवीय नगर स्टेशन है और इधर औसका स्टेशन है. अब मैं ये दूरी कैसे तय करूं? तो लास्ट मेल कनेक्टिविटी बाय मिनी बसेस, ई रिक्शा वोट समथिंग हैज टू बी डन फॉर लास्ट मेल कनेक्टिविटी. सो आई फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट लास्ट आई मस्ट बी एबल टू have some one or the other public transport. And जैसे 1,000 buses हम import लाने के, 10,000 buses, इसमें air condition buses भी होंगी, तो people like you can opt to go in one of the buses. जैसे मैं जब से मैं public life में आया हूँ तब से I'm preferring to go in this metro. And the minister has to come in the metro only. And there was not a tam cham or to show off. जहां जहां से मैं गुजरता हूँ वहां सिक्योरिटी तक होती जाती है, उसमें एक और आता जाता है, उसमें डिग्निटी आती जाती है. ये मिनिस्टर इज गोइंग बाय द मेट्रो, सो इट इज टू बी केप्ट क्लीन, इट इज पीपल फील कि देखो मंत्री भी आता है, यू गेट अ डिग्निटी आउट ऑफ इट. सो बसों की जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, कितने हो गए भाई साहब? 5 हो गए, हो गए वो तो. बसों की जो आपने बात कर रहे हैं, 10,000 बस इतनी लेके आएंगे, जगह कहाँ है खड़ी कहाँ है, डिपोज तो है नहीं. डिपोज ढेर सारे हैं और डीडीए, चूंकि मैं मेंबर डीडीए भी हूं तो मुझे मैं देख रहा हूं सर डीडीए में कितनी रिफॉर्म्स की संभावना है. यू नॉट बिलीव, दे डू नॉट नो देयर ओन प्रॉपर्टीज. मैंने उनसे मांगे एसी 43 मेरे कंस्टिट्यूंसी में थे तो कहां कहां तुम्हारे खाली लैंड पड़े हुए, नहीं तो इंक्रोच हो रहा है, दवा के इंक्रोच हो रहा है. तो आई टुक अ वन कमिश्नर लैंड साथ में ले गया, मैं उसको बड़े बड़े लैंड दिया, ये देखो ये लैंड तुम्हारा, ये लैंड तुम्हारा, ये लैंड. अब उनकी पुलिस पकड़ी. So, लैंड इतना अवेलेबल है लेकिन सब इंक्रोच हो रहा है क्योंकि वो किसी को चिंता ही नहीं है. अब अगर आप निकालना शुरू करें जैसे कि वो हॉस खास विलेज के अंदर जो लोकल काउंसलर है
उसने द रोज नाम का होटल बना लिया। कहां से? रोज गार्डन से। रोज गार्डन का पिछला हिस्सा में लेकिन द रोज होटल बना लिया। आरटीआई इंफॉर्मेशन में आए थे कि उनकी पत्नी रेनू सिंह जी ने इंक्रोच कर लिया डीडीए लैंड को और द रोज बना लिया। अब एज ए मेंबर डीडीए मैंने लिख के दिया है कि ये क्या चक्कर चल रहा है, सो डिमोलिश करिए। मैंने इली साहब को बोला है कि कंप्लायंस फ्रॉम द टॉप, 10 नेताओं को पकड़ लो, उनके क्रॉस लैंड को रिकवर कर लो, दिल्ली में किसी की हिम्मत नहीं होगी छूने के लैंड। भाई आप बड़ों को छोड़ देते हो, छोटों पे जो बेचारा बिजनेसमैन है उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, वहां कोई चला जाता है और पैसे ले आता है, उसको डर लगता है। अगर आपने 4 नेताओं को पकड़ ली, 10 नेताओं को तोड़ दिया मकान, किसी की हिम्मत दिल्ली में नहीं होगी पब्लिक लैंड छूने, तो लैंड तो बहुत है वैसे। जो इंक्रोस्ड है उसमें से कुछ एक्शन किया आपने? तोड़ा देखिए, अब 21 अगस्त को डीडीए अथॉरिटी की मीटिंग है, तो मैं उस पर एजेंडा मूव कर रहा हूँ कि दिस यू हैव टू टेक इट एजेंडा, दे काइंडली आइडेंटिफाई, सी टुडेज यूथ व्हाट आर दे वांटिंग, दे आर वांटिंग इक्वालिटी, what neta, why being not it's jaise ki aaj kuch bhi canteen ka wo jo chal raha hai ki subsidized food, ya kabhi baat kar lege ki hamari wo salary badhni chahiye, turant log khade ho jate hain, kya salary badhna chahiye, hum itna kaam karte hain, itna kaam, because they have not seen a good leader performing for the welfare of the people to the hilt. और इफ देर आर एवरी पार्टी, बट वो एक्सपोज नहीं होते उतना अच्छा से, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, जो खराब चीजें वो जल्दी आती हैं, फलाने नेता ने गाली दे दी, फलाने नेता ने रेप कर दिया, वो ये हो गया, वो हो गया। सो जब ये मैंने मूव किया, जब मैंने कहा इले साहब को कि साहब ऐसे नहीं होना चाहिए, तो सब लोग आश्चर्य थे कि जी अच्छा ये तो बड़ा गया, ये तो हमारे बारे में, तो सभी लोग जितने बाकी भाजपा के मेंबर्स हैं मेंबर डीडीए सब ने ऑब्जेक्शन किया, दिस इज नॉट ओके, आई सेड यू विल डू इट और रिकॉर्ड माय, तो धीरे धीरे चीज ये अब सिंक होने लगी। आपके कितने मेंबर्स हैं भाजपा के, कितने मेंबर्स हैं डीडीए में? जी हमारे 2 हैं भाजपा के, बाकी कितने? सतीश उपाध्याय हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, ओपी शर्मा हैं, रजनी भी, उनके सब क्यों है? 4 हैं उनके, पहले पूरा नहीं है ना, दो ना 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 सब 4 हैं, 5 से 4 हैं, 4 टोटल कितने हैं? देखिए एक तो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है विजेंद्र गुप्ता हो गया, ठीक है, 2 नीचे से आए हैं काउंसलर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो रजनी अभी एंड सतीश उपाध्याय, और 3 विधानसभा से आए हैं, तो 3 विधानसभा से 2 आम आदमी के हैं और 1 उनके, उनके 4 हैं हमारे 2 हैं, आपको डीडीए में कुछ काम कराना, भीड़ लगी रहती है, सब ढूंढते रहते हैं, सोमनाथ भारती का ऑफिस में भीड़ लगी रहती है, जरूर जरूर, और वो सभी लोग आपसे बात करके अच्छा इसलिए लगा कि आप बहुत साफ सुथरी बात करते हैं और इंटरेस्टिंग भी है, और लेट्स कीप इट कंटिन्यू, फिर कुछ ना कुछ हम लोग आगे, और कभी कुछ अच्छा करें जरूर बताइए, और ऐसा मत सोचिए कि हमें सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है, हमारा तो सिर्फ है कि हम भी कुछ सर्व कर सके, सिर्फ सर्विस का काम आपका नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है ना, अकेले कर नहीं सकता मैं, नहीं आपको रिव्यू करना हमारी ड्यूटी है, रिव्यू करने के अलावा हम अपना भी कंट्रीब्यूट हम करना चाहते हैं उसमें, तो जो आप अगर अच्छा कर रहे हैं अच्छा पता लगे जिसमें हम लोग कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी अगर कुछ अगर सिमली आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका फिर हम पकड़ेंगे भी मेरा